डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा, उसके अभिक्रिया को देखा कि धातु के ऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या होगा, और कोई भी क्षारक अगर अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो किसका किसका निर्माण करेंगे। तो अब हम लोग उस मुकाम तक पहुँचे हैं जहाँ एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चंस रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों को करने के लिए। तो लिखा जाए प्रश्न के, इसमें प्रश्न में जो दिया गया है ये तीन प्रश्न है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न लिखा जाए, क्वेश्चन लिखते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ, दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्यों नहीं रखने चाहिए। जी हाँ, आपको याद रखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि पीतल और तांबा के बर्तन में, पीतल या तांबा के बर्तन में खट्टा पदार्थ रखने से ना खराब हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आज पता हो जाना चाहिए कि पीतल और तांबा के बर्तन में जो है खट्टा चीज़ नहीं रखना चाहिए। आखिर क्यों नहीं रखना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए उत्तर लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद समझते हैं। उत्तर लिखेंगे फर्स्ट का, खट्टे पदार्थ जैसे दही कॉमा कॉमा नींबू का रस कॉमा इमली का रस में उपस्थित अम्ल तांबे अथवा पीतल से अभिक्रिया करके, तांबे अथवा पीतल से अभिक्रिया करके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लवण उत्पन्न करते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लवण उत्पन्न करते हैं अतः इन्हें पीतल एवं तांबे के बर्तन में, अतः इन्हें पीतल एवं तांबे के बर्तन में न रखकर चीनी मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में रखना चाहिए, चीनी मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में रखना चाहिए। सबसे पहले सवाल क्या बोल रहा था ना भाई, कि पीतल और तांबा के बर्तन में खट्टे जैसे पदार्थ को क्यों नहीं रखते हैं। तो आपको तो पता होना चाहिए कि खट्टा पदार्थ है, इसका मतलब हम उसको कह सकते हैं कि वह एक अम्ल है। क्लियर? और जब भी कोई अम्ल होता है, अगर वो धातु से भी क्रिया करता है, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये हमको पता है। कोई भी अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, लेकिन अगर तांबे और पीतल में रखेंगे तो ये जो लवण बनाएगा ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक लवण बनाता है दोस्तों। यही वजह है कि हम लोग पीतल और तांबे में खट्टे पदार्थ को नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब कोई खट्टा पदार्थ यानी कि अम्लीय पदार्थ को तांबे और पीतल में रखा जाता है तो वो धातु के साथ यानी कि अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण बनाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराबी करता है, यूजलेस है। तो इसीलिए हम लोगों को
कोई भी खट्टा पदार्थ को पीतल बर्तन और तांबे के बने बर्तन में नहीं रखना चाहिए। अब रहा बात कि इसको रखना कहाँ चाहिए, तो इसीलिए जो अचार उचार घर में लगाया जाता होगा तो देखते होंगे कि उसको या तो चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, या तो घड़ा में रखते हैं, या तो कोई प्लास्टिक के डब्बा में रखते हैं, या तो कांच का बना जिसको गुवाम कहते हैं ना, जार कहते हैं, उसमें रखते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप सुने भी होंगे कि कांच का बना हुआ गुआम या फिर चीनी मिट्टी का गुआम में अचार कभी खराब नहीं होता है। तो इसके लिए आपको समझना चाहिए कि आखिर वहाँ क्यों नहीं खराब होता है, क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, और वो उसमें जो रखा अचार है एक्चुअली नींबू का अचार, आम का अचार, उसमें भी खट्टापन आता है, ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्वेश्चन था कि पीतल और तांबे के बने बर्तन में अम्ल को यानी कि कोई खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इसका मुख्य वजह, मुख्य कारण यही है कि वो जो अम्ल है धातु के साथ अभिक्रिया कर कर और हानिकारक लवण बनाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू को करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पहले लिखा जाए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, लिखा जाए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन मार्क, कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन मार्क। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए कि, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए कि इस गैस की उपस्थिति में, उपस्थिति की, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? चलो ये सवाल में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन तो एक गो है, लेकिन एकरा में इसके अंदर तीन तीन क्वेश्चन कह रहा है। कह क्या रहा है कि भाई अगर कोई भी धातु है और वो जब धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस इधर निकलेगा। तो हम आपको बताए हैं कि जब अम्ल या धातु, चाहे धातु चाहे अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकालते हैं। तो इसमें पहला बोला कि कौन सी गैस, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकालती है। फिर बोला कि उदाहरण दीजिए, तो हमको अभिक्रिया लिखना होगा, एक रासायनिक समीकरण लिखना होगा जो एगो धातु हो और एगो अम्ल हो और यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा हो। फिर तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आप आखिर आप कैसे चेक करेंगे, कैसे जांच करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही है, इसका क्या पुष्टि करेंगे। यानी कि इसमें तीन तीन क्वेश्चन हैं, पहला कि कौन सी गैस निकलेगी, और दूसरा कि उसका उदाहरण देना है, और तीसरा कि आखिर इसकी जांच आपको कैसे करना है। तो चलिए इसका उत्तर लिखा जाए, फिर हम लोग समझेंगे। उत्तर लिखेंगे दूसरा का, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, सामान्यतः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो एक क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया। अब चलिए उदाहरण करके लिखिएगा, उदाहरण उसके नीचे एगो लाइन छोड़ के और उदाहरण करके लिखिएगा, ताकि हम उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण में ले लीजिए जिंक, जिंक कोची है, तो एगो धातु है जस्ता, इसको हिंदी में बोलते हैं, और HCl कोची है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये एगो अम्ल हो गया। ठीक है, और ये जब अभिक्रिया करेगा तो ZnCl बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा, ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस H2। तो इसको संतुलित करने के लिए दो से यहाँ गुना कर दीजिए, एक तरह का यहाँ लवण बन गया, इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। तो उदाहरण से हमको पता चल रहा है कि कौन सा गैस निकलता है, भाई हाइड्रोजन। ये तो उदाहरण हो गया। अब यहाँ लिखेंगे जांच, चूंकि जांच भी तो करना ना है, तो जांच में अब एरो देंगे, उदाहरण वाला भी लिख लेना है एरो देके, फिर एगो लाइन छोड़ना है उदाहरण के बाद एगो लाइन, और फिर नीचे से लिखिएगा जांच। जांच में लिखेंगे
गैस की उपस्थिति के जांच करने के लिए गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए उत्पन्न गैस के पास उत्पन्न गैस के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाने पर जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाने पर गैस कुछ ध्वनि के साथ और तीव्र गति से गैस कुछ ध्वनि के साथ और तीव्र गति से ज्वलनशील हो जाता है और तीव्र गति से ज्वलनशील हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन गैस है। उत्पन्न गैस हाइड्रोजन गैस है। उत्पन्न गैस हाइड्रोजन गैस है। तो कुल मिलाकर अब जांच में हम लोग क्या देखें कि आखिर कैसे जांच करेंगे। तो भाई ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, तो ये जो गैस निकल रहा है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर एक माचिस का तिल्ली जलता हुआ ले जाएंगे। और जैसे ही ये माचिस का तिल्ली जलता हुआ ले जाएंगे तो पता चलेगा कि जहाँ हाइड्रोजन गैस है ना, वहाँ से कुछ पट पट पुट पट का ध्वनि का आवाज़ सुनाई देने लगा और तीव्रता से ये जलने लगा माचिस की तिल्ली। जैसे उसका लौ नहीं, जैसे आप मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका लौ निकलता ना है, अगर मान लिया कि और तीव्र गति से जलेगा तो इसका और लौ तेजी ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही देखने को मिलता है, ये प्रयोग में सब किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये सब जो आधार है ये प्रयोग के दौरान ऐसा पाया जाता है। आखिर कैसे चेक करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है, तो इसको चेक करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा कि जहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उसके पास जलता हुआ मोमबत्ती ले जाएंगे, ठीक है। और जलता हुआ मोमबत्ती ले जाएंगे तब पता चलेगा कि कुछ ध्वनि निकल रहा है, जैसे पटपुट, जैसे आप कैसे लकड़ी को जलाते हैं तो टप टुप टप का आवाज़ आता है जलते समय, उसी टाइप के यहाँ पे भी कुछ ध्वनि सुनाई पड़ने लगता है। और जैसे ध्वनि सुनाई पड़ता है और माचिस की तिल्ली और तेजी से जलने लगता है, तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि वो कौन गैस है भाई, हाइड्रोजन गैस। तो यही थोड़ा सा चेक करना था। तो हालांकि जांच पर सवाल नहीं आता है कभी, हालांकि उदाहरण और ये वाला अच्छा सवाल था, इसमें दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था कि क्या होगा जब धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, एक नंबर के सवाल में आ सकता है, राइट आंसर इज हाइड्रोजन गैस, और इसका उदाहरण पूछ सकता है। लेकिन जाँच अभी तक के नहीं आया है, लेकिन चलिए हम लोग उत्तर में लिख लिए क्योंकि क्वेश्चन बोला जा रहा था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, थर्ड तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन पहले यौगिक फिर ए लिखा है, कैपिटल ए, यौगिक ए सॉरी यौगिक ए नहीं लिखेगा, इसका क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक ए, इसके पहले लिखा हुआ था कोई धातु, वो नहीं दिखा था, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, यदि उत्पन्न यौगिक में
यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो, एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसा यौगिक है ए, ठीक है, और उस यौगिक को किसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो बोल रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है जिसका फार्मूला होता है CaCl2, और प्लस में एक ऐसा गैस निकल रहा है, ये गैस का काम है जलता हुआ मोमबत्ती को बुझा देता है, तो आप बताइए कि ए के जगह पे क्या रखा जाएगा। सवाल अच्छा से पढ़िए, क्या बोल रहा है कि कोई यौगिक ए है और उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ के विलयन में डुबाया जाता है, रखा जाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड उत्पन्न करता है यानी कि प्रतिफल देता है, और ये कैल्शियम क्लोराइड जो दिया इसके साथ एक गैस निकल रहा है, वो गैस पता नहीं है लेकिन इसके बारे में ये जानकारी है कि ये जो गैस निकलेगा ना ये जलता हुआ मोमबत्ती को बुझा देगा, तो इसके लिए आपको अभिक्रिया का उदाहरण देना है। तो याद रख लीजिए कि यहाँ पे ए के जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है और CaCl2 बना देता है, और यहाँ से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो लिखा जाए इसका आंसर, उत्तर यौगिक ए कॉमा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो जलते हुए मोमबत्ती को बुझा देता है, अब चलिए इसके लिए अभिक्रिया हम लोग लिखते हैं। तो अभिक्रिया हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और इसके साथ HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड या बोलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा CaCl2 प्लस वाटर बनाता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब इसको अभिक्रिया को संतुलित भी करना, तो कैल्शियम एगो कार्बन एगो ऑक्सीजन तीन गो हाइड्रोजन एगो, यहाँ हाइड्रोजन एगो, तो इसको दो से गुना कर दीजिए। इस तरीके से इस अभिक्रिया को भी नीचे लिख लेना है। तो दोस्तों ये था कुछ तीन ही क्वेश्चन जो NCERT के बीच में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में फिर से कुछ नया टॉपिक्स पढ़ेंगे, चूँकि ये भी पूरा एंड नहीं हुआ है, अभी इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।